धर्मपुर क्षेत्र में करीब 2 महीने का बच्चा लावारिस हालत में मिलने से सनसनी फैल गई है। मंगलवार को भैरव जयंती के अवसर पर भैरव बाबा मंदिर के आसपास बड़ी भीड़ भाड़ जुटी। कुछ लोगों ने झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज को सुना। लोगों के देखने पर झाड़ियों से एक नवजात बच्चा मिला, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में बताया है और वहीं लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को भैरव बाबा का चमत्कार करार दिया है। नवजात बच्चा मिला है जिसकी उम्र लगभग 3 या 4 दिन की होगी और बच्चा अभी स्वस्थ है, उसे जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है। अभी तो कुछ सुराग किसने मिला नहीं है, जैसे ही कुछ खबर होगी तो आपको हम लोग इतना करें। बच्चे के शरीर में भी कोई चोट वोट नहीं है, बच्चा स्वस्थ है। टीम को एक कॉलर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि लखनऊ मंदिर के पीछे जो जंगल है वहाँ दुलहरा तालाब के पास एक नवजात बच्चा है करके, तत्काल 112 की टीम वहाँ पर पहुंची और एक बच्चे को रिकवर किया है। बच्चा स्वस्थ है और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं बच्चा मेल है और अभी बच्चे को यहाँ रतनपुर में रखा गया है। कल इसको बिलासपुर में बाल संरक्षण इकाई में पेश किया।